रफाल के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिसमें तीसरी बार द हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस ने खबरों को पब्लिश किया है, और साथ ही रफाल पर कैग ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी है। लेकिन जो पेज फंसा हुआ है वो कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। इससे पहले मैं रफाल के ऊपर दो सीरीज बना रखी है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। अब देखिए कि आखिर यह पूरा माजरा है क्या रफाल के ऊपर और जो इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर थी, दोनों को मिलाकर के ये रिपोर्ट। रफाल डील का थोड़ा सा इनसाइट आप लोग ले लीजिए। 126 जेट्स का जो प्रपोजल था वो एनडीए की सरकार से होते हुए 2007 में इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया यूपीए की सरकार ने, और इंडियन एयरफोर्स ने टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के बाद, फ्लाइट इवैल्यूएशन करने के बाद और कई सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के बाद 2011 में जाकर के दो फाइटर प्लेन्स को शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें एक रफाल था और यूरो फाइटर टाइफून था। अब बात शुरू हुई थी 2007 से, फाइनलाइज हुई 2011 में। अब आइए 2012 में, अब इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, दोनों में से एक को चुनना था। कई सारे क्राइटेरिया थे कि मेंटेनेंस किसका कम आएगा, ज़्यादा पावरफुल क्या है, तो उसमें रफाल को फाइनलाइज किया गया 2012 में। दो साल लग जाते हैं, डील कंप्लीट नहीं हो पाती है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कहा था कि हमें 108 HAL में बनवाने हैं फाइटर प्लेन्स, जिसमें आप हमें पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे एज इट इज, और आपको करना क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, दसौ एविएशन से कहा गया था। लेकिन दसौ एविएशन क्या बोलता है कि हम 108 HAL की गारंटी हम नहीं ले सकते, उसके क्वांटिटी कंट्रोल की भी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन हाँ जो हम आपको भेजेंगे उसकी हम गारंटी देंगे जो फ्लाइंग अवे कंडीशंस में होंगे। क्यों दसौ एविएशन क्या बोलता है कि आपका हम गारंटी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपने प्राइस में नेगोशिएशन किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, तो अगर इंडिया में 108 फाइटर प्लेन्स बनते हैं तो वहाँ प्राइस हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि HAL के पास अनस्किल लेबर है और एस्टिमेटेड 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी इंडिया में, इसीलिए ये डील वहाँ फाइनलाइज नहीं हो पाई। अब आते हैं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब ये डील 2012 में दो साल तक जो फाइनलाइज नहीं हुई, अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना था नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। अब मार्च 2015 को, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने अभी हाल ही फिलहाल में खुलासा किया है, मार्च 2015 में चौथे वीक में अनिल अंबानी जी जाते हैं फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस, वहां जाकर के वहां अधिकारियों से बात करते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि वो डिफेंस हेलीकॉप्टर और कमर्शियल एयर बसेस का भी बिजनेस करना चाहते हैं। फोर्थ वीक में जाते हैं 28 मार्च 2015 को अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। यहां से जाने के बाद, यहां से मीटिंग के बाद, मार्च 2015 की मीटिंग के बाद 28 मार्च 2015 को अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब आप देखिए कि अप्रैल 9 और 11 के बीच में, ये 2015 की बात कर रहा हूं, पीएम नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए, उस डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी भी साथ गए थे। वहां जाकर के वहां डील फाइनल होती है कि हमें 36 रफाल जेट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द फ्लाई अवे कंडीशन में। तब प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रांसवा ओलांद, इनके निगरानी में ये एग्रीमेंट हुआ था, इनके अंडर में, कि एक दिन पहले HAL पिक्चर में था और 9 से 11 के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के साथ जाते हैं तो 36 रफाल जेट की जानकारी इनको नहीं थी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी को बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि HAL स्टिल इन द पिक्चर। अब मैं आपको बता दूं, जो ये डील जो हो रही थी, जो नेगोशिएशन चल रहा था, यहां पर 108 HAL फाइटर जेट HAL को बनाने का लाइसेंस मिल चुका था, यानी कि एंड मूवमेंट पे आकर के ये डील में से HAL को बाहर कर दिया गया। अच्छा, ये एक्सपोज होना कब शुरू हुआ ये भी आप जान लीजिए। अब 31 अगस्त 2016 के बाद समझो कि सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त शुरू हो गया था। अब आप देखिए, इसमें जो प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू दिया था फ्रांसवा ओलांद ने, उन्होंने कहा, अब 31 अगस्त 2016 में एक खुलासा हुआ, जिस खुलासे के बाद मोदी सरकार पूरी पूरी डिफेंसिव मोड में दिखाई दी। अब देखिए, फ्रांसवा ओलांद एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि उनकी जो पार्टनर है जूली गायट, उनकी फिल्म प्रोडक्शन में
अनिल अंबानी जी ने इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि वो इनडायरेक्टली वो फ्रांसवा ओलान से फेवर मांग रहे थे। और इतनी बड़ी खबर आगे क्या है वो समझाऊंगा मैं आपको, आगे चलते हैं। अब ये डील जो है वो डिफेंस की है, तो जाहिर सी बात है इसे डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगी, सारे डिसीजन वो लेगी और कंक्लूजन पर भी डिफेंस मिनिस्ट्री पहुंचेगी। अब मैं आपको बता दूं कि रफाल कंपनी से बातचीत के लिए रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक टीम को बनाया, उस तरह से फ्रांस की तरफ से भी एक टीम को बनाया गया। दोनों टीम बन जाती है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, काफी लंबे समय से बातचीत होती है, लेकिन इसी दरमियान बीच में पता चलता है, उनकी जानकारी में आता है कि पीएमओ भी इस बातचीत में शामिल है बिना उनके बताए, और वो भी अपने लेवल पर इस डील की शर्तों को बदल रहा है। अब इस बात को डिफेंस मिनिस्ट्री की टीम ने उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर को इस बात पर ध्यान देने के लिए एक नोट को जारी किया था, जिसमें लिखा था कि हमें पीएम ऑफिस को सलाह देनी चाहिए, डिफेंस डील के लिए बनी भारतीय टीम का कोई भी अफसर जो उस टीम में का हिस्सा नहीं है, अगर पीएमओ को डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएशन पर कोई भरोसा नहीं है तो पीएमओ ही बातचीत कर ले और एक नया प्रोसीजर और एक नया प्रोसेस खुद ही बना ले, क्योंकि इससे भारतीय टीम की जो डील है उस पर उसकी पकड़ कमजोर होती है और उसका अपर हैंड नहीं रह जाता। जब डिफेंस मिनिस्ट्री बातचीत कर रहा था तो बिना उसके जानकारी के पीएमओ ऑफिस अपने स्तर से बातचीत क्यों कर रहा था, यह सवाल लाजमी है। और नोट में यह भी लिखा था, डिसेंट नोट में यह भी लिखा गया था कि इस तरह के समानांतर यानी पैरेलल नेगोशिएशन से फ्रांस के पक्ष को लाभ हो रहा था। अब डिफेंस डील पर एक और बात सामने निकल करके आई कि 2013 में, ये द हिंदू की बात बता रहा हूं, कि 2013 में बनाए गए नए नियम को हर डील पर इंप्लीमेंट किया जाना था। एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया थी, एक प्रोसीजर था जिसको अपनाया जाना था कि कोई भी डिफेंस डील होती है तो उसमें छूट नहीं दी जा सकती, मगर भारत सरकार ने फ्रांस की दो कंपनियों डसो और एमबीडीएस फ्रांस को बहुत ज्यादा रियायत दे दी। रक्षा मंत्रालय के फाइनेंशियल ऑफिसर जो कि आज कैग के पोस्ट पर राजीव महर्षि हैं और संसद में भी कैग की रिपोर्ट को उन्होंने पेश किया था, डिटेल रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, तो पार्लियामेंट में ऑडिट रिपोर्ट को पेश किया था, उन्होंने तब इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि पैसा सीधे कंपनी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। यह सुझाव भी दिया गया था कि सीधे कंपनियों को पैसा देने के बजाय एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाना चाहिए। अब यह एस्क्रो अकाउंट है क्या कि उसमें पैसे रखे जाए, यहां की फ्रांस की सरकार के पास एक खाता होता है जिसको एस्क्रो अकाउंट कहा जाता है, उसी के जरिए जब जब जैसा जैसा काम होगा उतनी सप्लाई कर दी जाएगी और उन दो कंपनियों को पैसा दिया जाएगा। कंपनी भी इस भरोसे पे काम करेगी कि सप्लाई के बाद उनको पैसा मिलेगा ही, क्योंकि उसी की सरकार के खाते में पैसा है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के निदेशक खरीद स्मिता नागराज ने इसे हटाने का प्रस्ताव भेजती है और मंजूरी भी इस प्रस्ताव को मिल जाती है, तो प्रधानमंत्री ने इस मंजूरी को क्यों मंजूर कर लिया? सीधे फ्रांस की कंपनी को पैसा देने का मतलब है फ्रांस की गवर्नमेंट को आंखों पर काली पट्टी लगा देना। जब सरकार के स्तर पर डील का मतलब ही क्या रह जाता है, जब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती और भारतीय सरकार ने कोई भी इन सॉवरेंट यानी कि सरकारी गारंटी नहीं दी गई है, कम से कम बीच में कोई गारंटर रहे, कहीं पैसा ना डूब जाए, ऐसे क्लॉज को क्यों नहीं रखा गया? अब ये दरिया दिली दिखाने का क्या मतलब है? अब आगे पता चलता है कि सरकार ने एंटी करप्शन वाले क्लॉज को भी छूमंतर कर दिया। अब सवाल होगा कि आखिर इस क्लॉज के डालने की जरूरत क्या थी? अब जरूरत थी तो हटा क्यों दिया? अब आप समझिए इस बात को, आप थोड़ा सिंपल भाषा में समझिए कि इस प्रोसेस में दूसरा चैनल कोई शामिल ना हो जाए और ठेका ना ले ले, और एजेंट और एजेंसी का पता चलने पर पनिशमेंट का जो क्लॉज इसलिए रखा गया होगा ताकि कमीशन की कोई भी गुंजाइश ना रहे, लेकिन सरकार ने इसे भी हटा दिया। माना कि आप करप्शन नहीं करते, लेकिन हर कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं होता ना, इस क्लॉज को हटाने का क्या मतलब है? द हिंदू फिर से एक न्यूज पब्लिश करता है आज की डेट में, और उसमें बताया जाता है कि जिन 36 रफाल विमानों को खरीदने के लिए मोदी सरकार ने सौदा किया है वह यूपीए की डील से महंगी है, और 36 रफाल विमान हासिल करने के मोदी सरकार का सौदा कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 126 एयरक्राफ्ट की डील से
बेहतर शर्तों पर बिल्कुल भी नहीं था। मोदी सरकार के नए सौदे में 36 रफाल विमान में पहले फेज में 18 विमान की जो डिलीवरी करने की तारीख भी यूपीए सरकार के दौरान मिले प्रस्ताव की तुलना में धीरे और देरी से होने वाली है। अब यह रिपोर्ट द हिंदू ने फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन से बातचीत करने वाली टीम में शामिल रक्षा मंत्रालय के 3 सीनियर अफसर के हवाले से यह रिपोर्ट छापी। अब रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के 3 वरिष्ठ अफसर ने माना था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सौदा किया है वह यूपीए से बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। इन अधिकारियों ने सख्त विरोध का एक नोट भी भेजा था। इंडियन नेगोशिएशन टीम में 7 लोग शामिल थे, मैं आपको बता दूं, जिसमें से 3 सीनियर एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर यह माना था कि फ्लाई अवे कंडीशन में 36 रफाल विमान हासिल करने से मोदी सरकार का सौदा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए सरकार की ओर से दसा एविएशन से 126 विमान खरीदने के प्रस्ताव से बेहतर शर्तों पर नहीं था। अब कैग ने आज अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। कैग रिपोर्ट पर दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने डील पक्की की है, वह यूपीए की डील से कुल 2.86% सस्ती है। पहले सरकार ने इस डील में 9% सस्ता बताया था, जो कि सरासर गलत दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी कैग की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद रफाल पर बवाल अभी भी नहीं थमा, कई सारे सवाल हम सबके सामने आ गए हैं। अब पहली बात तो रफाल कितने दाम में खरीदा गया, कैग की रिपोर्ट में बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। नो प्राइस इंडिकेटेड, अगर प्रवक्ताओं की माने तो वो कहते हैं कि हम प्राइस को रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ये देश हित की बात है, जो हमारा दुश्मन देश है वो जान जाएगा कि रफाल की कीमत अगर ये है तो इन्होंने ये इक्विपमेंट्स या फिर ये चीजें लगवाई हैं, वो हमारे लिए गलत तरीके से दुश्मन देश इसका फायदा उठा सकता है, इसलिए हम दाम नहीं बताएंगे, डेंजर है। अगर ये बात है तो एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। क्या ये पहली बार हुआ है जब सीएजी ने वायुसेना की खरीद पर ऑडिट करते हुए पैसे की मात्रा नहीं बताई, संख्या नहीं बताई? हमारे सहयोगी राजीव रंजन कहते हैं कि मार्च 2015 में जब रूस से खरीदे जाने वाले विमान MiG-29 की ऑडिट की रिपोर्ट आई तब हर पैराग्राफ में पैसा लिखा था, अमेरिकी डॉलर में भी लिखा था कि $740.35 मिलियन है और भारतीय रुपये में भी लिखा था कि 3,568 करोड़ रुपया है। इसी तरह मार्च 2016 में, ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, समाप्त हुए वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने साफ साफ लिखा है कि नौसेना के लिए 24 BAE हॉक AJT विमान होता है कोई, इसकी खरीद के लिए करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,777 करोड़ रुपया इसमें लिखा हुआ है। बेशक अलग अलग संदर्भों में इन दोनों ही सीएजी रिपोर्ट में दाम दिए गए हैं, मगर सीएजी ही बताए कि जब मिग और हॉक विमान की खरीद की ऑडिट में आप कीमत खुलकर बताते हैं तो रफाल विमान की कीमत की ऑडिट में आपने कीमत क्यों नहीं बताई? बात है दूसरी तरफ, कैग ने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि 126 फाइटर जेट को क्यों और किस वजह से 36 किया गया। चलो मान भी लेते हैं कि रफाल डील जो आप कर रहे हैं वो काफी सस्ती है, 36 जो आप मंगा रहे हैं फ्लाइंग अवे कंडीशंस में काफी सस्ती है, अगर ऐसा है तो आप 126 के 26 फाइटर जेट्स क्यों नहीं मंगा लेते। और तीसरी बात, इन्होंने नो बैंक गारंटी, अगर डिफॉल्ट करती है तो ये भारतीय सरकार और वो डसॉ एविएशन जाने, इसमें आपकी सरकार फ्रांस सरकार नहीं जानेगी, उसका कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, नो बैंक गारंटी। अब आखिरी बात, इसमें एंटी करप्शन क्लॉज को हटाने की क्या जरूरत थी? अगर इस डील में कोई बिचौलिया पाया जाता है, इस डील में कोई किसी तरह का कनेक्शन पाया जाता है तो इसमें उसको पनिशमेंट ना मिले, ऐसा वाला क्लॉज आपने क्यों लगा दिया, एंटी करप्शन वाले क्लॉज को क्यों हटा दिया, ये बात भी जाहिर नहीं होती कैग की प्रथम दृष्टया रिपोर्ट देखने के बाद। काफी सवाल हैं बाकी दोस्तों, को वीडियो को लाइक शेयर और थम्स अप देके जाना होगा ताकि मेरा मोटिवेशनल लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। एम ऑफ दिस वीडियो, हम रखते हैं लाइक का मात्र 1,000 लाइक्स, देखते हैं अचीव कर पाते हैं या नहीं। सत्यमेव जयते।